हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगी। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है, और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननन भाभी का, भाई भाई का परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। चार दिन अगर अच्छे निकल गए तो पांचवें दिन क्लेश का जाएगा, पांच दिन अच्छे निकल गए छठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा कोई लड़ाई की बात नहीं करी फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है जिससे इसके घर में सुख ना रहे, सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलारा हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलारा हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यहां रहेगा ही सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में एक ही बैग में एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं, एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो तीन दिन या चार दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में एक ही बैग में एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं दी जाती, बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं देते,
पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा आचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना आचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे रहे, नहीं मत देना, क्योंकि बेटी तन मन और धन ये तीन चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये तीन दुख तो रहेंगे ही। कई कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझा, तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक, पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बातें हैं आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी, 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा? तब दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता, सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है प्रभु, वचन दे दिया भगवान ने। इतने में दरिद्रता देवी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे हैं, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे की पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है, ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, यह भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। इतने में दरिद्रता देवी बोली, सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा, आप हमें वर दो कि दरिद्रता और दुख गणेश जी के पीठ के पीछे विराजमान होंगे, पृष्ठ भाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे, वर दो आप।